हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास एट्थ की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 3, जो कि आपकी डेट 20 जुलाई की है। प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रकाश सीधे रेखा में गमन करता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में जाता है। दर्पण एक चमकदार सतह है। दर्पण आपने देखा होगा, शीशा जिसमें आप अपने फेस देखते हैं, जो प्रकाश को परावर्तित कर सकती है। सामान्यतः जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पर की सतह से टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी आँख वस्तुओं को देख पाती है। मान लीजिए ये वस्तु है, ये किरण इस पर टकराई और ये वापस आ जाती है, हमारी आईज पे पड़ती है, तो हम इस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है, यानी कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो वस्तु है, उसको अवशोषित कर लेती है या फिर वापस भेज देती है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश को की दिशा बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, जो प्रकाश पड़ता है उसको हम आपतित किरण कहते हैं, जो प्रकाश की किरण वापस चली जाती है उसको हम परावर्तित किरण कहते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक सतह हो गई, यहाँ से प्रकाश आया आपतित किरण और चला गया परावर्तन किरण, इसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये अभिलंब होता है, आप एन लिखते हैं। आपतित किरण के साथ आपका आपतन कोण बनता है आई, और परावर्तन किरण के साथ आपका आर कोण बनता है परावर्तन कोण। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। अब जो समतल दर्पण होता है उसमें कुछ लक्षण होते हैं। पहला, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, ठीक है। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है, मतलब अगर आप अपने को शीशे में देखेंगे तो जैसे आप है वैसे देखेंगे, तथा उतनी दूरी पर बनता है जितनी दर्पण से बिंब की दूरी है। मान लीजिए शीशा है और आप इसे 2 मीटर की दूरी पर खड़े हैं तो आपकी इमेज भी 2 मीटर दूरी, प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व परावर्तित भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परावर्तित रूप में लिखे जाते हैं। एम्बुलेंस पे आपने देखा होगा, जो एम्बुलेंस होता है वो एम्बुलेंस उल्टा नज़र आता है, ठीक है, ताकि आगे जो गाड़ी जा रही है और उसमें वो शीशे में देखेंगे तो उन्हें एम्बुलेंस सीधा लिखा नज़र आएगा। दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण है वो भी 2 तरह के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ये देखिए, ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपकी चमकदार सतह है बाहर की तरफ, ये आपका उत्तल दर्पण है, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो फर्स्ट में आप यहाँ से लिखेंगे समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण, तो ये 3 लक्षण आप लिखेंगे, ये आपके फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर लिखिए। तो आप यहाँ से ये लाइन लिखेंगे, जिसको पर्दे पे प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक, और जिसको पर्दे पे प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी, तो ये आपके सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन पूछा है, गोले दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या हैं, यह समतल दर्पण से किस प्रकार अलग है। तो आप लिखेंगे गोलीय दर्पण, यहाँ से लिखेंगे गोलीय दर्पण के 2 प्रकार हैं। इसके बाद लिखेंगे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसके बाद पूछा है कि वो समतल दर्पण से किस प्रकार अलग है, तो आप नीचे आंसर लिखेंगे, तो आप लिखेंगे समतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक तल जो होता है समतल होता है, और गोलीय दर्पण में वे दर्पण जिनका परावर्तक तल क्या होता है, गोलीय होता है, ऐसे गोल होता है, ठीक है, और समतल में सीधा होता है। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर था आधा। यहाँ वर्कशीट कम्प्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।